उससे हम आईपीएल आईपीएल को को एक एक दिन बीट करेंगे, को जरूर बीट करेंगे, करेंगे, जरूर लेकिन उससे पहले एक नया आ सबसे तो वुमेन्स की, की, की क्रिकेट की बात करते तो इतना बड़ा स्टेप अभी, अभी तक किसी ने नहीं लिया सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ यू नो एक ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की एक uh,

अबे 75 तो इन्वेस्टमेंट सारी इंडियन लोगों की है वुमेन्स आईपीएल हम एक तरफ बात करते होते हैं कि हमने पीएसएल को आईपीएल से ऊपर पहुंचाना है ऐसा ही बात करते हैं उनकी वुमेन आईपीएल पिछले सीजन जब हुई थी ना पीएसएल की ड्यूरेशन के अंदर yeah. ही हो रही थी और रज के व्यूअरशिप भी वुमेन्स आईपीएल ने ली थी और वुमेन्स आईपीएल में जो उनकी औरतों को पैसा मिलता है ना वो आपकी पता है उससे जिससे कहते हैं ना ऊपर चला जाता होता है अगर मैं बात करूं तो मैं आज भी देख रहा है दस दस लाख जिसकी बेस प्राइस है दो दो करोड़ की वो लड़कियां बिकड़ी है आई के अंदर आराम से दो करोड़ डेढ़ करोड़ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है पांच छह करोड़ बन जाता है तो आपके बाबर नसीम शाहीन को टक्कर दे रही है उनकी लड़कियां नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि डब्ल्यू पी एल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वुमेन्स की क्रिकेट लीग है बताते चले कि डब्ल्यू पी एल ना केवल वुमेन्स की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है बल्कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग भी बन चुकी है आई पी एल के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा डब्ल्यू पी एल में ही है बताते चले कि डब्ल्यू पी एल 2024 का ऑक्शन आज हो चुका है और उसमें एक बार फिर से सरप्राइज ऑक्शन देखने को मिला है बताते चले कि बाबर आजम जो कि पी के सबसे महंगे प्लेयर हैं, जिन्हें पेशावर जलमी ने खरीदा हुआ है उनकी कीमत एक लाख सत्तर हजार डॉलर है जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत बनती है एक करोड़ इकतालीस लाख रुपए वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यू की इस बार जो सबसे महंगी प्लेयर बनी है वो काशी गौतम बनी है वो भी एक अनकैप्ड प्लेयर है इन्हें गुजरात टाइटंस ने दो करोड़ रुपए में खरीदा है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएल और डब्लू में भी अब जमीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से पीएसएल की बराबरी आईपीएल से करता रहता है हालांकि नहीं पहुंची है तो आई पी एल की बराबरी करने का सपना तो उन्हें छोड़ ही देना चाहिए डब्ल्यू के शानदार ऑप्शन को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि रियलिटी यही है कि हम बी की बराबरी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने डब्लू पी एल के को लेकर क्या कहा है कि वजह से क्रिकेट में इतना पैसा आया भाई ये मतलब ये इनको शायद पता नहीं इन प्लेयर्स को लेकिन जितने ये लीग्स हो रहे हैं आजकल मतलब दुनिया भर में अबे 75 परसेंट तो इन्वेस्टमेंट सारी इंडियन लोगों की है टीम ओनर्स तक मतलब तो वही आईपीएल के लोग या आई से हट के जो इंडियन बिजनेसमैन वगैरह है दूसरी कंट्रीज में दे आर द वंस इन्वेस्टिंग इन दिस लीग्स यार ये जो आज इतना आईसीसी का शेयर आ रहा है आपको पैसे मिल रहे हैं मतलब मिलियन पाकिस्तान जैसे साल का चौंतीस मिलियन डॉलर लेगा अपना शहर आई इवेंट्स से इन द फिनेशियल सर्कल कहाँ से पैसा आ रहा है भाई ये इंडियन मार्केट से आ रहा है यार जहां क्रेडिट देना है दो इंडियन इंडिया के बगैर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया के बगैर आप क्रिकेट चला लोगे नहीं चलेगी ये पैसा नहीं होगा क्रिकेट तो शायद चल जाएगी लेकिन फिर उसी पुराने जमाने में चले जाना 20 साल 25 साल पहले जहाँ जो है 2000 और 5000 डॉलर पे गुजार करना पड़ता था, था प्लेयर्स को आज इतना पैसा अगर है क्रिकेट में जो इतने करोड़ रुपए प्लेयर्स कमा रहे हैं इट बिकॉज ऑफ इंडिया यार इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया कंज्यूमर मार्केट आपके बाबर और शाहीन को छ करोड़ मिलता है पीएसएल एस अब जाके मिलना शुरू हुआ अब जाके मिलना शुरू हुआ है तो आप हिसाब लगा ले उनकी वुमेन टीम को आईपीएल में ही इतने पैसे मिलते हैं ज़्यादा ही पैसा है आप देखें ये 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 अच्छे बोर्ड की निशानी होती है ये वुमेन लीग का एक जो थ्योरी थी ना ये निकली ये राजा ने सोचा था इसके हाले से वो उसने सिर्फ सिर्फ ने बात की थी कि हम ये सोच रहे हैं हमारा ये ना हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं तो हम ये जल्दी इसको शुरू करेंगे लेकिन देखे अभी तक हमारी कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ और उनका जो है वो माशा उन्होंने दोस्त दूसरा सीजन आ गया देखिये सबसे बड़ी चीज ये है की हम लोग मुकाबले अपने आपको लीग को बड़ा मुश्किल से बचाया गया बिग बैश से बांग्लादेश लीग से फिर इंटरनेशनल लीग ने आके बड़ी टक्कर दी हुई अफ्रीका की लीग ने बड़ी टक्कर दी हुई आईपीएल तो वैसे ही होती है इनके बावजूद बड़ी मुश्किल से लीग को संभाला हुआ है लेकिन जो वुमेन्स आईपीएल है ना ये होती है मसला ये पीएसएल के टाइम के अंदर होती है तो इस लीग ने पहले सीजन के अंदर काफी ज्यादा हर्ड किया था जो थोड़े बहुत लोग इंडिया के अंदर पीएसएल देखते थे वो भी वुमेन्स आईपीएल देखने लग गए थे आप ये देख ले के आईपीएल वुमेन आईपीएल जो है

इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि दुनिया भर की तमाम क्रिकेट लीग डब्ल्यू पी से पीछे है ना केवल डब्ल्यू पी से बल्कि आई से तो वो काफी ज्यादा पीछे है ही कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि अगर हमारी प्लेयरों को भी डब्ल्यू पी में खेलने का मौका मिल जाए तो काश उनका भी भविष्य बन सकता है लेकिन बात यही है कि जब तक हम आतंकी गतिविधि रोकेंगे नहीं तब तक भारतीय सरकार हमें ना तो आई में खेलने का मौका देगी और ना ही डब्लू में खेलने का मौका देगी और यही रीजन है कि आज पाकिस्तानी प्लेयर चाहे मेल हो या फीमेल वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं बताते चले कि पी में बिल्कुल भी पैसा नहीं है कोई भी बड़ा प्लेयर पी का पार्ट नहीं बनना चाहता है यही रीजन है कि दुनिया भर में जितनी भी लीगें चल रही हैं उनमें पी का नाम नीचे स्तर पर आता है तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए Thank you.